हेलो फ्रेंड्स, देखिए यूपी ट्रिपल एससी ने जूनियर असिस्टेंट परीक्षा में जो एकेडमिक होता था 35 अंक का, उसको हटा दिया है। आपने देखा होगा जो लोग अभी तक जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा दे रहे थे, तो ये जो परीक्षा होती थी उसमें जो मेरिट बनती थी, तो सबसे पहले तो ये था कि एक घंटे की एक परीक्षा होती थी ऑप्शनल, और इसमें कुल मिला के 65 अंकों की एक परीक्षा करवाई जाती थी। बाकी 35 अंक आपके एकेडमिक से होते थे, और उसके बाद हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग होती थी। जो लोग इस पर मेरिट अपनी क्लियर करते थे, यानी कि जो लोग जो एग्ज़ाम होता था और एकेडमिक अच्छा होता था, दोनों को जोड़ने के बाद शॉर्टलिस्ट होते थे, उनको हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग के लिए लखनऊ बुलाया जाता था, और अगर टाइपिंग क्लियर हो गया तो जॉब लग जाती थी। लेकिन यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि एकेडमिक में वर्ष दर वर्ष अगर हम बात करें, जैसे कि जो पुराने अभ्यर्थी हैं उनके एकेडमिक अच्छे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तब अच्छे नंबर आते ही नहीं थे, और एकेडमिक में तमाम विसंगतियां भी देखने को मिलती हैं। तो एकेडमिक को फ़िलहाल यूपी ट्रिपल एससी ने इस परीक्षा से हटा दिया है, और अब कुल मिला के यहाँ पर 100 अंकों की एक परीक्षा होगी, और जो परीक्षा पहले एक घंटे की होती थी उसे अब 2 घंटे का कर दिया गया है। इसमें एकेडमिक जब हटा है तो कुछ नए टॉपिक जोड़े गए हैं, तो ये जो नए टॉपिक हैं वो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जब पीटी 2021 की परीक्षा हुई थी, पेट 2021, तो उसी के आधार पर कुल 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन लिए गए थे। उसके लिए यहाँ पर जो सिलेबस है ये जारी किया गया है, तो सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब कुल 2 घंटे की परीक्षा होगी, इसमें हिंदी, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, कुल मिला के 100 प्रश्न 100 अंकों के पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, गलत उत्तर देने पर आपके 1/4 अंक काटे जाएंगे, यानी कि 25% ये नेगेटिव मार्किंग होगी। इसको आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने 5 प्रश्न अटेम्प्ट किए, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 4 प्रश्न आपने गलत कर दिए, 1 प्रश्न आपका सही है, तो आपको अंक मिलेंगे 0। तो इस प्रकार से मतलब 1/4 अंक आपको नेगेटिव मार्किंग के तौर पर दिए जाएंगे। सिलेबस में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिलेबस वही रहेगा हिंदी परिज्ञान में। इसमें आप समझ पा रहे होंगे कि हिंदी भाषा का ज्ञान, समझ और लेखन की योग्यता से संबंधित जो प्रश्न होते हैं। इसके अलावा रीजनिंग में बहुत टफ रीजनिंग नहीं होती है, आसान लेवल की रीजनिंग होती है। जीएस में तो आप समझ रहे होंगे कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और ये भी आप जानते हैं कि पीटी 2022 के बाद अभी तक जितनी भी वैकेंसीज आई हैं उसमें जूनियर असिस्टेंट की एक नई वैकेंसी भी आने जा रही है, जो कि जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर काम करना चाहते हैं तो आपको ये नया सिलेबस जो कि जारी किया गया है, अब इसी के मुताबिक आपको तैयारी करनी होगी, और खुश हो जाइए कि आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, चाहे वो अच्छा रहा हो चाहे वो बुरा रहा हो, उसका प्रभाव आपके प्रेजेंट पर नहीं पड़ेगा, यानी कि एकेडमिक को यहाँ पर हटा दिया गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगस्त वगैरह में, अगस्त सितंबर में ये जो परीक्षा थी ये करवा ली जाएगी, यानी कि पीटी 2021 के आधार पर जो कुल 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट के लिए आवेदन लिए गए थे पिछले साल 2022 में, उसकी परीक्षा आपको अगस्त सितंबर में करवाई जा सकती है। जुलाई में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगस्त में ये परीक्षा हो सकती है। हो सकता है कि लास्ट जुलाई में भी ये परीक्षा करवा ली जाए। तो ये डिटेल्स आपके सामने रही। फिलहाल आपको ये भी बताना चाहेंगे, ये न्यूज आज के अखबारों में भी है, तो इसको भी आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो शैक्षिक योग्यता के 35 नंबर थे वो हटाए गए हैं, तो इसका फ़ायदा निश्चित रूप से सभी को मिलेगा, और कुल 2 घंटे की परीक्षा होगी, और अब आपको अपनी तैयारी में लगना चाहिए। और देखिए, यहाँ पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के द्वारा जो बीएड की प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी 15 जून को, उसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। इसमें आपको अपना यूज़र आईडी, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और जो पासवर्ड है,
ये दो चीज़ें आपको यहाँ पर एंटर करके लॉगिन करना होगा, देन आफ्टर आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। हालांकि लिंक कल ही आ गया था ऑफिशियल वेबसाइट पर, लेकिन लिंक काम नहीं कर रहा था, और अब आज से आप अपने जो एडमिट कार्ड हैं उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे, और डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। जून के अंत तक प्रदेश को मिलेंगे 8000 लेखपाल। तो फिलहाल आप जानते ही हैं कि पिछले साल जुलाई में परीक्षा हुई थी, और ये परीक्षा काफ़ी विवादों में भी रही, खासतौर से ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता को लेकर बहुत बड़ी संख्या में धांधली की सूचना भी प्राप्त हुई थी, और इसके बाद जब इसका रिजल्ट आया था तो रिजल्ट को लेकर भी अभ्यर्थी जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। कुछ ऐसे नाम भी रिजल्ट में शामिल हुए थे जो वायरल हुए, और अंत में वो नाम इस प्रकार से गले की हड्डी बन गए यूपी ट्रिपल एससी के लिए कि उस पर जो मतलब एक क्लियरेंस होता है, जो स्पष्टीकरण होता है, वो जारी करना पड़ा था यूपी ट्रिपल एससी को। फिलहाल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जल्दी शुरू करवाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर वही सवाल रहेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या वो नाम भी शामिल रहेंगे जो नाम विवादों में रहे और जिसकी वजह से इस पूरी भर्ती की पारदर्शिता पर सवाल उठे थे। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है यहाँ पर उसके मुताबिक जून में ही लेखपाल भर्ती की जो प्रक्रिया है वो पूरी करवाई जा सकती है। बाकी जो डिटेल्स होगी वो समय पर मैं आपको देता रहूँगा, फिलहाल यही जानकारी अभी तक प्राप्त हो रही है। प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में लंबे समय बाद एक से दूसरे ज़िले में यानी कि अंतर जनपदीय तबादले की शुरुआत हुई है। पुरुष शिक्षकों का कहना है कि इस बार भी उनकी डगर आसान नहीं है पिछली बार की अपेक्षा। इस बार महिलाओं का जो भारांक है वो दोगुना कर दिया गया है, मतलब कि पहले महिलाओं का ट्रांसफ़र होगा उसके बाद पुरुषों का होगा। तो 2019 में एक ज़िले से दूसरे ज़िले में स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू होते समय ये मेरिट वाला जो मैटर था इसको स्टार्ट किया गया था, और उस समय महिला शिक्षिकाओं के लिए भारांक 5 था, इस बार इसे बढ़ाकर 10 कर दिया गया है। वहीं पुरुष शिक्षक आवेदन के योग्य होंगे जिन्होंने एक ही ज़िले में तैनाती की 5 साल की सीमा पूरी की हो, महिलाओं के लिए यह 2 साल होगा। तो मिला जुला के यहाँ पर यही कहना है कि महिलाओं के लिए तो सुविधाएँ काफ़ी हैं, लेकिन पुरुषों के लिए इतना आसान नहीं है ट्रांसफ़र लेना। और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि पूरे भारत में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों की स्थापना की जा रही है। कुल 740 स्कूल इसके अंतर्गत जो हैं वो स्थापित किए जा रहे हैं, और इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी भी उपलब्ध करवाई थी। जानकारी क्या थी मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहूँगा। देखो फ्रेंड्स, कुल मिला के अगर देखा जाए तो 38,800 पदों पर यहाँ पर शिक्षक भर्ती, यानी कि इसमें TGT के पद होंगे, PGT के पद होंगे, प्रिंसिपल के पद होंगे, इसके अलावा लाइब्रेरियन और भी बहुत सारे पद हैं, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, और कुल मिला के देखा जाए नॉन टीचिंग पोस्ट में भी काफ़ी बड़ी संख्या में नॉन टीचिंग पोस्ट, लगभग 15,860 पद हैं नॉन टीचिंग के लिए, और टीचिंग वाले में कुल मिला के 22,940 पद हैं। तो इस प्रकार से एक वैकेंसी जारी हुई है। फिलहाल फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि ये जो EMRS होते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, तो ये स्कूल भी आपके KVS और NVS की तरह ही हैं। कुल जो रिक्त पद हैं 38,800, इसमें जो भर्ती के लिए नियमावली है वही जारी की गई है, उसमें जो एलिजिबिलिटी है, उम्र सीमा है, तमाम जानकारियाँ ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को कल वीडियो के माध्यम से दे चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी चेक कर लीजिए। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने पूछा था कि ये भर्तियां कब से स्टार्ट हो रही हैं। देखो फ्रेंड्स, अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अभी तक सिर्फ रूल्स ही जारी किए गए हैं, और ये जो भर्तियाँ होंगी वो एक बार में नहीं हो रही हैं, ये 3 चरणों में होंगी और शायद अगले 2-3 सालों में पूरी होंगी। यानी कि 38,800 जो पद हैं ये कई राउंड में भरे जाएंगे, ये टोटल वैकेंसी है, ठीक है, क्योंकि कुल 740 EMRS स्कूल जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं, तो ये टोटल वैकेंसी है। तो इसके लिए 2-3 चरणों में NTA के द्वारा ये परीक्षा करवाई जाएगी, NTA ही इसके लिए एजेंसी बनेगी और वही परीक्षा लेगी। बाकी जो डिटेल्स है वो यही है, उम्र सीमा रहेगी 40 साल जनरल के लिए, और OBC SC ST के लिए नियमानुसार छूट भी रहेगा।
टीजीटी के लिए जो उम्र सीमा होगी वो 35 साल रहेगी नियमानुसार एससी एसटी ओबीसी, और बाकी कैटेगरी को छूट भी प्राप्त होगी। डिटेल्स चेक करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी लोग आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। आपने अगर हमारा फेसबुक पेज स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मैं इसके लिए लिंक सबसे ऊपर जो पहला कमेंट होगा उसी में दे दूंगा। आप लोग प्लीज़ लाइक कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी आपको कई सारी जानकारियाँ शेयर की जाती हैं और तमाम करंट अफेयर के जो पोर्शन होते हैं वो कवर करवाए जाते हैं। थैंक यू सो मच।